क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस इज डिस्क्राइब बाय लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, एंड विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या दे रखा है हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 0.9 किलो पास्कल इनवर्स, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। And the pressure in kilopascal, it is the fractional surface coverage is 0.95, ठीक है। मतलब आपको coverage की value दे रखी है, equilibrium constant की value दे रखी है, आपसे पूछ क्या रखा उसने, pressure पूछ रखा है। तो मैंने Langmuir पे formula करवाया था आपको, एक क्या करवाया था, theta is equal to kp upon 1 plus kp। फिर आपसे एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने कि प्रेशर की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा था, जैसे यहाँ पर थीटा था ऐसे मैंने आपको बताया था प्रेशर के इक्वल भी एक फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। कैसे करा था हमने वहां पर, थीटा प्लस केपी थीटा इक्वल टू केपी, थीटा इक्वल टू केपी 1 माइनस थीटा, देन प्रेशर थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा कौन थी, ये मेरे पास मेरा फॉर्मूला आया, ठीक है। मेरे से पूछा क्या है इसने कि मुझे प्रेशर बताना है किलो पास्कल में, ठीक है, मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किलो पास्कल इनवर्स में है, थीटा की कोई यूनिट नहीं है, फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज क्या है ये थीटा, इसे हम एक्स वाई एम भी बोलते हैं, चलिए द पॉइंट, देन प्रेशर की वैल्यू निकालनी है आपको, प्रेशर थीटा कितना है 0.95 अपॉन 1 माइनस थीटा 0.95, के कितना है 0.9, कैलकुलेट करो, आंसर आया 21.1 किसी का यशिका कब करोगी दिने किलो पास, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ऐसे, Langmuir adsorption
the laminar adsorption isotherm of gas on a solid surface give the fraction surface coverage 0.01 calculate the laminar adsorption isotherm constant. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हम कैलकुलेशन करें, ऐसा अधिकतर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आएंगे सर, इससे देख कभी कभी दे सकता है, तो मैंने दो क्वेश्चन इसमें करा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें आपको ये मान लिया टेम्परेचर की बात, तो हम जब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर तो हमारा फिक्स है, उसका कोई रोल नहीं है वहाँ, ठीक है। साथ के साथ उसमें ये क्या रखा है कि मेरे पास जो गैस का प्रेशर है वो मेरा कितना है, 10 bar मतलब क्या है, हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 0.0, उसने पूछ रखा है कैलकुलेट द लैमिनर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कांस्टेंट, मतलब उसने पूछ क्या रखा है हो जाएगा।
से आ सकता है, लैंगुलर डिफरेंस का कांस्टेंट भी या AP plus BP भी आ सकता है, अलग अलग फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं हमने कोऑर्डिनेट्स, तो हमने कल क्या बताया था कि मेरे पास सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलकर बनता है, ठीक है, ठीक है। एक मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन था, ठीक है, होमोजेनियस में जिसे बोल रहा था, साइज 0.1 नैनोमीटर से कितना होता था, 1 नैनोमीटर, ठीक। एक मेरे पास सॉल्यूशन होता था जहां पर मेरे पार्टिकल का साइज लार्जर देन 10 की पावर 3 नैनोमीटर, इसे मैं क्या बोलता था, सस्पेंड। फिर मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच जो सॉल्यूशन मिलेगा, इंटरमीडिएट मिक्सचर, इंटरमीडिएट सॉल्यूशन, उसे मैंने बोला था कोलाइड्स। क्या बोला था, कोलाइड्स। लेकिन
यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं, लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब क्या है हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हम अभी पढ़ेंगे क्लास 12 में ही, बायो मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स, ठीक है, ये सब क्या है हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो कोलाइडर सॉल्यूशन में क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं, जिसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वे पार्टिकल्स प्रेजेंट किसमें होते हैं, कोलाइडर सॉल्यूशन, ठीक है। सस्पेंशन में वही होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं जो सस्पेंशन में प्रेजेंट होता है। देखो फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन, the particles are ions and molecules, the particles are ions and molecules, collider solution mein the particles are either a single macromolecule, particles are a single macromolecule or aggregation of molecules and atoms, molecules and atoms. Example लिखो, like protein, lipids and nucleic acids. Protein, lipids and nucleic acids. और second point suspension. The particles are aggregation of molecules and atoms. The particles are aggregation of molecules and atoms. Now third point, कौन सा आएगा सो साइड चार्ज, किसका आएगा साइड चार्ज। आपको पता है जब मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है तो मेरे पार्टिकल्स का साइज, मेरे जो आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज कितना होता है 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। तो आपका थर्ड पॉइंट बनता है ट्रू सॉल्यूशन में, द पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। सेकंड कोलाइडर सॉल्यूशन में लिखना है आपको, द पार्टिकल साइज रेंज 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर। एंड सस्पेंशन में लिखना है आपको, the particle size larger than 10 की पावर 3 नैनोमीटर। ओके, फोर पॉइंट क्या हो सकता है, सोचो फोर पॉइंट अंशो, ट्रू सॉल्यूशन में मेरे पास जो पार्टिकल्स हैं क्या वे पार्टिकल्स मेरे सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, कोलाइडर सॉल्यूशन में सेटल डाउन होते हैं, लेकिन सस्पेंशन में एक डिफरेंस ही हो गया। तो फोर डिफरेंस क्या है, पार्टिकल्स टू सॉल्यूशन में है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, टू सॉल्यूशन में लिखना है कि पार्टिकल्स यहां पर सेटल डाउन नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। कोलाइडर सॉल्यूशन में भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन,
बट सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं यहां पर। अगर आप सेंडेरियो, ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट, देवेंद्र मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में मेरे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं भी नहीं, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स दिखाई देते हैं नहीं, ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। आप एक ग्लास लो, सॉल्ट डिजोल्व करो उसमें, ठीक है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी, क्या आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं उसमें, नहीं देते। अब माइक्रोस्कोप यूज करोगे, पावरफुल माइक्रोस्कोप, तभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनका साइज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है, बहुत कम साइज होता है वहां पर पार्टिकल्स का, ठीक है, क्लियर है। ये डिफरेंस आपको यहां पर दिख रहा है, एंड कोलाइडर सॉल्यूशन में देखो, यहां पर भी आपको पार्टिकल्स नेक आई से नहीं दिखाई देंगे, आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, वो भी कौन सा माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप, लेकिन आपको यहां पर पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, नेक आई से भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कौन सा डिफरेंस है, द पार्टिकल्स आर इनविजिबल, पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, इवन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। ट्रू सॉल्यूशन में लिखना है आपको कि द पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, एंड कोलाइडर सॉल्यूशन में लिखना है आपको द पार्टिकल्स आर इनविजिबल, द पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन अंडर नॉर्मल माइक्रोस्कोप, सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल्स आर विजिबल इवन अंडर माइक्रोस्कोप, इवन अंडर माइक्रोस्कोप एंड विद नेक्ड आई। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, अब देखते हैं। मेरे पास यहां पर मैंने बताया था आपको कोलाइड्स में एक डिस्पर्स फेस होता है, डिस्पर्सन ग्रेडिएंट, dispersed phase and dispersion
मीडियम, ठीक है, मतलब हमारा जो डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्स फेस हैं और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, उनकी स्टेट क्या है? स्टेट से मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? इसके बेसिस पर हम क्लास कोलाइड्स को क्या करेंगे? क्लासिफाई। सेकंड वे देखो, सेकंड नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन से मतलब कि हमारे पास जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, उनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, उनका बीच कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे मैंने एडजॉर्प्शन में बताया था, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। हमने क्लासिफाई किया था एडजॉर्प्शन को दो टाइप से। फिजिकल कब किया था? जब हमारा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और केमिकल जब हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। के बेसिस पर जब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम में इंटरेक्शन के टाइप पर हम क्या करेंगे? अपने कोलाइड्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप का इंटरेक्शन, थर्ड पॉइंट है द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल है या एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम में किस टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पर कोलाइड्स को क्लासिफाई किया जाए, ठीक है। आज हम केवल एक ही डिस्कस करेंगे अपना, फर्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। हेडिंग their property of diffusion
दे आर प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन ठीक है हो गया। अब देखो मैंने बताया कि मेरे पास डिस्पर्स फेस सॉलिड लिक्विड गैस डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस एट टाइप के कोलाइड्स पॉसिबल है ठीक है। उसके बाद एक नोट करके लिखा हुआ है कि गैस कभी भी कोलाइड्स नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी भाई? गैस आपस में क्या करेगी एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएगा ठीक है, इसलिए कोलाइड्स फॉर्मेशन नहीं करेगी ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास डिस्पर्स फेस सॉलिड है, लिखते रहो लिक्विड गैस, देखो सॉलिड लिक्विड गैस लिख लिया इसने या? अब देखो यहां पर जब मेरे पास डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों कैसे हो सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में सॉलिड स्टेट में उस केस में जो मेरे पास कोलाइड बनता है उस कोलाइड को मैं बोलता हूं सॉलिड सॉल्ट। क्या बोलता हूं सॉलिड सॉल्ट सॉलिड सॉल्ट। इसका एग्जांपल दीजिए जेमस्टोन्स देखें जो ग्लासेस बनते हैं डिजाइनिंग के इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं लाइक रूबी ग्लास रूबी वे कैसे एग्जांपल है सॉलिड सॉल के एग्जांपल्स हो गया। देन मेरे पास डिस्पर्स फेस सॉलिड में है
व्हाट डिस्पर्स द मीडियम लिक्विड में, उस केस में जो मेरे पास कोलाइट बनेगा उसको मेरा नाम रहेगा मेरा सोल। क्या नाम है? सोल। और उसका एग्जांपल गोल्ड, 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 गोल्ड सोल यो कर रहा है पेन, पेन, क्या हमारे पास जो पेन है हमारे वो कैसे हमारे सोल है, सॉलिड और लिक्विड से बन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो सॉलिड और गैस, हमेशा ध्यान रखना जब हमारे पास सॉलिड और गैस हो तो जो कोलाइड्स बनता है उसका नाम होता है एरोसोल। क्या नाम होता है? एरोसोल। इसका एग्जांपल है लाइक स्मोक, स्मोक एंड डस्ट, स्मोक एंड डस्ट। इसमें जेल वाली टोपी खाएंगे? जेल वाली टोपी तो खाएंगे। हाँ, सही बात है। इस पर जिस पर स्पेस और इस पर जब मीडिया को जेल को जेल ही ठीक है। देखो डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्सल मीडियम सॉलिड है, उस केस में जो मेरे पास कोलाइड्स बनता है उसे मैं बोलता हूँ जेल। क्या बोलता हूँ? जेल। एंड एग्जांपल्स जेलीज। Gracias.
ठीक है।